ये मिडलवेयर अप्लाई करने का एक और मैं आपको यहाँ पे तरीका दिखाता हूँ कैसे करते हैं। व्यूज़ डॉट ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेथड डेकोरेटर का यूज़ किया। नाउ अज्यूम कीजिए कि ये जो ऑथ मिडलवेयर है, हमको ऐसे 10 जो व्यूज़ हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 15-20 और भी ज़्यादा, ठीक है, तो हर एक में हमको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या मैं हर एक में जाके ये लिखता रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, इससे अच्छा भी एक तरीका है इसको अप्लाई करने का, इसको मैं ऐसे रिमूव करूँगा। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव करेंगे, सेव करेंगे, यू आर एस डॉट पाई में आएंगे, यहाँ पर हमने यू आर एल की मैपिंग की है, तो हम यहाँ पर जो मेथड डेकोरेटर है इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मेथड डेकोरेटर नहीं, यहाँ पर हमको जो हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर कहा फ्रॉम डॉट मिडलवेयर्स डॉट ऑथ, हमको यहाँ से इम्पोर्ट करना है ऑथ मिडलवेयर ना, इसको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर सारे लिस्ट है हमारे पास यू आर एल की, तो आप जिस जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से एक बार में सारे को एक पेज पर कर सकते हैं। तो यहाँ से करना ज़्यादा आसान है, हमको एक नज़र में दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे मिडलवेयर चल रहा है। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। हमने यहाँ पर कहा ऑथ मिडलवेयर, फंक्शन कॉल करेंगे, इसको पास करेंगे ऑर्डर व्यू एज व्यू। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हो ऑथ मिडलवेयर। अगर आप ऑथ मिडलवेयर कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ सेव किया मैंने एंड देन इसको ट्राई करेंगे। तो पेज को रिलोड किया, अभी मैं लॉगिन किया हूँ, देन हम जाएंगे ऑर्डर्स पे, तो ये ऑर्डर्स यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। नाउ मैं जो कुकीज़ हैं उसको रिमूव कर देता हूँ। कुकीज़ रिमूव करना मतलब कि सेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। नाउ मैं रिलोड करूँगा एप्लीकेशन को, तो अब आएंगे लॉगिन हियर। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर मैनुअली लिखता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा स्लैश ऑर्डर्स, तो अब मैं ऑर्डर्स पेज पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। मैंने ऑर्डर्स पेज पे गया, मैं आ गया वापस लॉगिन पेज पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मिडिल वेयर है, हम इसका ये दूसरा वे अप्लाई करने का, ठीक है। ना देखेंगे कि यहाँ पर हम जो रिटर्न यूआरएल है उसका कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर मैं ऑर्डर पेज से लॉगिन पेज की तरफ आया हूँ तो लॉगिन करने के बाद मैं वापस से मुझे ऑर्डर पेज पे जाना है। तो अगर अभी मैं लॉगिन करता हूँ, मैं इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे इसको नेक्स्ट व्यू में कैसे करना है।